भी हालात जो बन रहे हैं मैं उस पर बात को थोड़ा सा करूँगी कि वक्फ बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है। मतलब वक्फ जो हालात बने हुए हैं वो जैसे सैयदना का सिस्टम जिससे हम लड़ रहे हैं अभी 40 साल से वो सेम सिस्टम यहाँ एप्लीकेबल है। इसी तरह से हमारी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है। फेक सर्टिफिकेट्स सारी जो प्रॉपर्टी है सारी हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है उसका एक सिर्फ सिंगल सोल ट्रस्टी है सैयदना। इन्होंने नंबर्स ऑफ अटर्नी पावर दे रखी है। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। हर वुमन राइट्स को ये पता है कि वुमन्स को ये पता है कि कितनी अपन को कितनी पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है पर यहाँ नंबर ऑफ पावर ने अटर्नी दे रखी है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो वक्फ में है वक्फ के रहते हुए हमने ट्रिब्यूनल से लेकर हाईकोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक अप्लाई किया हुआ पर वो हमारी ट्रिब्यूनल से ही हमारे केस बाहर नहीं है। हम हाईकोर्ट में जाते हैं वो कहते हैं पहले आपकी ट्रिब्यूनल के केसेस वहाँ लगाओ फिर यहाँ से हाईकोर्ट में आना। तो हमारी प्रॉपर्टी का ये जिस तरह से मिसयूज़ हो रहा है इन लोगों से दरगाह वक्फ प्रॉपर्टी थी आज डिसमेंटल कर दिया गया। जहाँ एक बहुत अच्छा 20 कमरों का बना हुआ था मुसाफिर खाना आज वो पूरा डिसमेंटल हो गया। इन्होंने पूरी हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट उन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट निकलवाया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उदयपुर से। उस फर्जी सर्टिफिकेट पे इन्होंने यहाँ एक मस्जिद बनाई जो 25x25 की मस्जिद थी वो सोबे सोबे मस्जिद बनाई मस्जिद नहीं बनाई एक डाइनिंग हॉल बनाया। मस्जिद तो ऊपर एक बहुत छोटी सी तामीर करी है नीचे एक बड़ा सारा ने डाइनिंग हॉल बनाया। उसके बाद इन्होंने हमारी ये वक्फ प्रॉपर्टी के सही दरगाह जो मुसाफिर खाना था ये तोड़ के इन्होंने पास में उसी फर्जी सर्टिफिकेट पर एक नई बिल्डिंग तामीर करी है जिसका ये लोग किराया लेते हैं 1200 से 1400 रुपये। वो एक आरामगाह है वो उसको आप वो एक टूरिस्ट बैंगलो है वो मुसाफिर खाना नहीं है। मुसाफिर खाना यहाँ आसपास जो 50 किलोमीटर की रेडियस में जो भी ढाणियाँ थी जो छोटे छोटे गांव थे वो इलाज के लिए उदयपुर आते थे वो लोग यहाँ इलाज कराते थे अपने दुख सुख यहाँ रहते थे और करते थे। आज उसको तोड़ ताड़ के इन्होंने और एक होटल बना दिया। आप वहाँ पर नहीं जा सकती? हम वहाँ नहीं जा सकते। हम किसी भी दरगाह में नहीं जा सकते हम किसी भी मुसाफिर खाने में नहीं जा सकते। इन्होंने एक आईडी कार्ड रखा हुआ है उस आईडी कार्ड से ही किसी को वहाँ एंट्री मिलती है। हम रिफॉर्म्स के पास एक आईडी कार्ड नहीं है इसलिए हम पूरे इंडिया भर में इवन दो मक्का और मदीना में भी इनकी जो रुबात बनी हुई है उसमें भी हमारी एंट्री नहीं है। इतना